वॉक पे जाना है, यानी हम एक घंटा इन्हें नॉर्मल चलेंगे तो 2 से 2.5 किलोमीटर चलेंगे, इसमें उम्र की कोई बात नहीं है। 40 साल के भी चल सकते हैं और 80 साल वाले भी चल सकते हैं। शायद आपको कोई दूसरी बीमारी है, अस्थमा है, कोई तकलीफ है, थक जाते हो तो बैठ जाइए, रेस्ट करिए और फिर चलिए। तो सुबह हमें 1 घंटा चलना है नॉर्मल वॉक, यानी 2 किलोमीटर सुबह चलेंगे। घर पे जब आओगे नहाते वक्त इसको खोल दीजिए, नहाने के तुरंत इसको हमें बांधना है, फिर हम इसको खोलेंगे रात को सोते समय, यानी दोपहर को आप सोते हैं तब इसको खोलने की जरूरत नहीं है। शायद आप खोल देते हो तो तुरंत उठने के बाद इसको बांध दीजिए, लेकिन खोलने की जरूरत नहीं है। फिर शाम को हम लोग क्या करेंगे, दोबारा 1 घंटा घूमने जाना है, मेहनत है थोड़ी, सोचते होंगे आप इतना कैसे घूमेंगे, शाम को भी घूमेंगे आप 1 घंटा और रात को सोते वक्त इस कसरत को दोबारा करनी है। इसके बावजूद आप रामदेव बाबा का योगा करते तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, दूसरे किसी का योगा करते तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 2 चीजें नहीं करनी है। 1, ट्रेडमिल पे चलना, समझ में, ट्रेडमिल में चलना ये नहीं करना है, और मॉर्निंग वॉकर वगैरह होता है वाइब्रेटिंग वॉकर, वो नहीं करना है। बाकी सभी चीजें आप कर सकते हैं इसके साथ, हमला कर, ठीक है। इस प्रेस पहनने से कोई साइड इफेक्ट है या नहीं? एज सच ये पहनने से, मैं समझाता हूं अभी, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यानी ये पहनने से आपको लगता होगा अभी टाइट बंधा हुआ है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन तो बंद नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये पहनने से 2 चीजें हो सकती है, जैसे जेबी साहब ने कहा है, गर्मियों का मौसम है, हमारे यहाँ तो ठंडक है, आज बारिश हो रही इतनी, ठीक है। तो ये पहनने से गर्मियों में ध्यान रखना है, जब पहनते तब कुछ नहीं होगा, जब आप खोलते हैं इसको तब हमें इचिंग प्रॉब्लम, मेरे खुजली होती है, हर एक को नहीं होगी, जिनके स्किन सेंसिटिव है उसको हो सकती है। ये क्यों होती है? जब जैसे खोलते हैं हम लोग उस वक्त क्या होता है, पसीना जो होता है वो पसीना ड्राई हो जाता है, यानी सूख जाता है। पसीना सूखने के बाद क्या है, नमक फॉर्मेशन, यानी सॉल्ट, नमक इचिंग करता है। इसीलिए हमने बहुत अच्छा नुक्स बताया आपको, जब भी इसको पहनना है नारियल का तेल होता है उसको लगा लो, ये नहीं है तो कोई क्रीम होती है आजकल मिलती है कोल्ड क्रीम, या नहीं है कुछ भी तो टालकम पाउडर होती है जो फेस में लगाते हैं उसको लगा लो। उसके बाद ऐसे वाले सूती कपड़े से भी सॉक्स दिए जाते हैं जो हम लोग देते हैं आपको, इसका इस्तेमाल करना है। जब भी इसको खोलेंगे शाम को पहला काम करना है इसको धोने के लिए डाल दीजिए, रोज के रोज धोना है, आपके पास पैर में होता है। लोग क्या करते हैं, हफ्ते भर एक ही सॉक्स पहनते हैं तो पसीना जा जाके आपको स्किन की शिकायत हो सकती है, राइट? तो ये नहीं करना है, रोज के रोज धो लीजिए, फिर जाके ठंडे पानी से या गर्म पानी से पैर को धो लीजिए, अच्छी तरह से पोछिए, फिर दोबारा तेल क्रीम या पाउडर लगा लीजिए, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। दूसरी प्रॉब्लम होती है जिनको डायबिटीज है, जिनको वेरिकोस वेन है यानी नसों की तकलीफ है, जिनको सर्कुलेशन प्रॉब्लम ऑलरेडी है, तो उनको ये ब्रेस पहनने से पंजों में सूजन आ सकती है, डरिए मत उसके लिए। ऐसे वक्त पंजों में सूजन आती है तो थोड़े देर के लिए इस ब्रेस को खोल के रखना है, सो जाइए, लेट जाइए, पंजों के नीचे तकिया रखिए, सूजन कम हो जाती है 15-20 मिनट में, सूजन कम होने के बाद इसको दोबारा पहन लीजिए। ये 2 चीजें ध्यान में रखनी है हमें। सुबह से शाम तक यानी 4 से 5 किलोमीटर चलना है, जैसे भाई साहब ने बोला है, मैंने इसीलिए कहा था सुबह उठने के बाद पैरों में ब्रेसेस नहीं होते हैं और रात को सोते समय पैरों में ब्रेसेस नहीं होते हैं, तब इसकी कसरत वगैरह करनी है।
अभी इसको पहन के हमें तो चलना ही है, चलेंगे हम हर बार 3 महीने 2 महीने के बाद हमें दिखाना है। इसको पहन के हम लोग चलते समय ध्यान देना है, पैर को उठा के चलना है, वो बहुत जरूरी है। पैर को उठा के चलिए, यानी हम लोग को क्या होता है, अभी आ जाएगा, पैर को उठा के, यानी अभी आपकी क्या आदत हो गई है दर्द के कारण, आप लोग देखिए कैसे चलते हैं, क्यों पैर को सीधा रख के चलते हैं, जैसे सीढ़ियां चढ़नी है उतरनी है तो आप क्या करते हैं, सही है, फिर चढ़ते समय भी ये चीज बदलनी है हमें। हम हर बार कहते हैं दो तरह की चाल होती है, एक गधे की चाल और एक घोड़े की चाल। गधे को देखा है किसी ने, है क्या यहां गधे जलंधर में, है बहुत है, नहीं है कह रहे, चलो एक गधे की चाल और एक घोड़े की चाल, दोनों एक ही वंश के है, यानी बायोलॉजिकली दोनों एक ही वंश के है, लेकिन गधा बहुत स्लो है, क्यों उसको कहना पड़ता है भाई आगे जा, तो घोड़ा बहुत तेज है, क्यों पता है आपको, कभी देखो आप जरा ऑब्जर्व करो, गधे दिखते हैं तो देख लो, नहीं दिखते तो छोड़ दो, हाँ नहीं तो यूट्यूब में मिलते हैं गधे की चाल और घोड़े की चाल। तो क्या करना है, गधा क्या करता है, पैर ऐसा पीछे रखता है, समझ में, गधे की पूंछ पकड़ लो तो क्या करेगा, ती मार देगा, लात मार देगा, क्यों पैर उसका पीछे है। और घोड़ा देखिए आप, घोड़े का पैर आगे होता है, आप शूट कर लो घोड़ा दौड़ता है, इसलिए आपने देखा होगा ये जो फैन लगे हुए हैं, मोटर लगी हुई है, इसमें लिखा है हॉर्स पावर, यानी घोड़े की पावर, वहां पे कहीं पे भी नहीं लिखा है डोंकी पावर, दिखा है आपने, आप दुकान में जाते तो पूछता है जिसका दुकान होगा कितने हॉर्स पावर का चाहिए, आधे एक दो, मोटर जो हम लगते हैं घर में पानी पीने के लिए तो हम कहते नहीं 2 हॉर्स पावर का चाहिए, तो ये सब घोड़े के हिसाब से हॉर्स पावर लिया हुआ है, आरपीएम जो उसका होता है उस ढंग से लिया हुआ है। तो हमें घोड़े की चाल चलना है, यानी हम क्या करेंगे, हमारा जो साइंस कहता है पहले हम लोग क्या करते हैं, एड़ी को दबाते हैं चलते समय, फिर पंजों को दबाते हैं, फिर एड़ी ऊपर करते हैं, पैर को ऊपर लेके आगे धकेलते हैं ना, उस हुआ ये जो खोलने की क्रिया होती है, यानी खिंचाव मिलता है, ट्रैक्शन, नेचुरल ट्रैक्शन, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल ट्रैक्शन होता है जो आपको जॉइंट खोलने में मदद करने वाला है। लेकिन ज्यादातर महिलाएं, बुरा नहीं मानना कोई, आप देख लीजिए महिलाओं को चलते समय पैर पीछे रहता है, देख लीजिए आप अपना चाल देख लीजिए, राइट, तो हमें पैर को उठा के डालना है, राइट, जैसे सीढ़ियां उतरते हैं मैंने कहा था अभी, पकड़ लीजिए कोई हर्ज नहीं है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है, फिर राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसे करना है हमें, थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन आप कर सकते हैं इसको, समझ में है कैसे चलना है, ये बहुत जरूरी है। बारिश आ जाएगी, अभी बारिश में गीले हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, इसको करके, यानी आपके डॉक्टरों ने कहा है चौकड़ी, यानी आलती पालती मार के बैठना नहीं है, सीढ़ियां चढ़नी नहीं है, सीढ़ियां उतरनी नहीं है, लकड़ी का सहारा लेके, वॉकर का सहारा लेके चलिए, इन्होंने कोई गलत नहीं कहा है, सही कहा था उन्होंने, लेकिन हम लोग उल्टा करने वाले इसको पहनने के बाद,
चौपड़ी मार के बैठना है, सीढ़ियां चढ़ना है, उतरना है, किसी सहारे का लेना नहीं है। पर खास करके जो सास है यहाँ पे, जो ब्रेस ले रही है, पट्टे ले रही है, सिकंजे ले रही है, उनको मेरा निवेदन है, घर में पानी भी पिलाया, या ससुर जी है यहाँ बैठे हुए, पानी भी पिलाए, किसी को कहना नहीं मुझे पानी पिलाओ करके, खुद उठ के जाके पानी पी लो, समझ में। पर कल से सास को मैं एक निवेदन करूंगा, कल से रसोई आप ही कर लो। क्यों आप खड़े रह सकते हैं? तो बहु बेटियों को कहो आप बैठ जाओ थोड़ी देर, मुझे रसोई करने दो, बच्चे आपके सब खुश हो जाएंगे, काफी समय के बाद आपके हाथ की रसोई मिल जाएगी उनको, ठीक है। ये मैं आपको कसरत के माध्यम के लिए कहता हूं, हाँ उससे आपका एक्सरसाइज हो जाएगा, समझ में। ये कोई जादू नहीं है, पहले सुन लो मेरी बात, और जल्दी नहीं करनी है, हम डेमोंस्ट्रेशन अभी यहां बताएंगे पूरा। मैंने कहा कोई मेडिसिन लेनी नहीं है घुटने के लिए, क्या होता है मुझे रात को 3 बजे 4 बजे फोन आता है, मेरा फोन ऑन रहता है, सर आपने कहा है दर्द के लिए कोई दवा नहीं लेनी है, मैंने कहा सही कहा है घुटने के लिए, सर मेरा सर दर्द हो रहा है मैं क्या करूं, समझ में है ना। तो सर दर्द होता है तो गोलियां खानी है, मुझे फोन नहीं करना है रात को 3 या 4 बजे। क्या होता है मेरी भी उम्र अभी 63 ईयर्स है, इस उम्र में जैसे हम लोग सीनियर सिटीजन बनते हैं ना, नींद कम हो जाती है, सही कह रहा हूं मैं बाबू जी आपको कह रहा हूं, रात को हमें नींद कम हो जाती है, क्यों दिन में सो जाते हैं हम लोग। तो मेरा निवेदन है आपको कोई ऐसी तकलीफ होती है आपकी डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। अभी हम लोग नया काम करने जा रहे हैं, जो आप डायरेक्ट मेरे से संपर्क में रहने वाले हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, जलंधर का व्हाट्सएप ग्रुप करेंगे, राइट। 2-4 दिन में ये आपको मिल जाएंगे, जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे ले लेंगे हम लोग, उसमें हमारी लिंक भी दी जाएगी जो यूट्यूब के साथ है। इसके बाद जो आज शूटिंग हो रही है, आज शूटिंग हो रही है, उसकी भी लिंक हो जाएगी, उसमें आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। उसमें क्या होगा, दो चीजें बहुत बढ़िया होती है, आपके प्रॉब्लम क्या है मुझे भी पता चलते हैं, और जो बाकी लोग यहां बैठे हैं ना जो ग्रुप में रहेंगे उनको भी पता चलेगा। कभी क्या होता है आपका बांधने का तरीका, जैसे जेबी साहब ने कहा था राइट का लेफ्ट में बांधे है, लेफ्ट का राइट में बांधते हैं, ये गलती होती है, कभी बांधने का तरीका गलत होता है, तो मैं वहां पे सब समझाता हूं, तो सब लोगों को ये पता चल जाएगा कहां पे गलती है क्या होती है, तो आप भी उसमें प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्यों आजकल डायरेक्ट आप घर में फोटोग्राफ्स लेने हैं, लोड करके मुझे भेजने हैं, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जिनके पास नहीं होगा, कई बुजुर्ग होंगे उनके पास मोबाइल नहीं होगा, तो बच्चों का नंबर दे देना यहाँ पे, और उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि अभी पहले फोन करना पड़ता था, आजकल फोन की भी जरूरत नहीं है, आप मेरे से वीडियो कॉलिंग कर सकते हो या ग्रुप में इंटरेक्ट कर सकते हो, तो कमांड जो है, लेकिन ध्यान देना है उस व्हाट्सएप ग्रुप में कोई दूसरे मैसेज भेजना नहीं है। भारत सरकार का आज से कायदा भी आ गया है, बहुत कड़क, इतना कड़क कायदा आ गया है, ऐसे कोई मैसेज नहीं भेजना पॉलिटिकल और इसमें, और हमारे इसमें भी जो एडमिन रहेगा जो उसको कंट्रोल करेगा वो तुरंत आपको डिलीट कर देगा उस ग्रुप से, सही कह रहा हूं, तो तुरंत डिलीट हो जाएगा। आज ही आया है भारत सरकार ने जो कहा था व्हाट्सएप ग्रुप को, उन्होंने अभी ब्लॉक करना शुरू कर देंगे, तो ऐसे मैसेज नहीं जानी चाहिए हमारे इसमें ग्रुप में भी नहीं आनी चाहिए, तो ये ध्यान देना है। नहीं तो क्या सुबह सुबह उठे गुड मॉर्निंग, सुबह सकाळ, ऐसे मैसेज आते रहते, कोई जरूरत नहीं होती है, हमें देखना है हमारे ट्रीटमेंट के, इसीलिए हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, तो उसी ढंग से रहिए, ठीक है। मैंने सब कुछ समझाया है, इसके बावजूद मैं 5 मिनट ये करने से पहले दूंगा आपको, आपके सवाल होंगे अभी, ठीक है, एक एक करके मुझे पूछ लीजिए, जगह पे बैठ के पूछे, खड़े होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल साइकिलिंग चला सकते इसको पहन के, हाँ लेकिन सुन लो, साइकिलिंग चलने का ऑप्शन नहीं है, चलना जरूरी है 4 किलोमीटर रोज,
और 8 किलोमीटर साइकिल चला लो, मुझे कोई हर्ज नहीं है। कोई आओ बैठ के बात करिए। एनी टाइम यू कैन डू द एक्सरसाइजेस वंस यू, हिंदी में बात करता हूं, पहले सुबह उठने के बाद रात को सोते समय, यानी खाना पीना हो जाता है पेट भर, एक्सरसाइज कर लीजिए। आराम से उठ सकते हैं, लेकिन दो चीजें, बहुत अच्छा सवाल है, इनको दो बार वॉशरूम जाना होता है, तो बिना इससे हम लोग जा सकते क्या? जा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन देखिए मैंने रात को खोलने के लिए इसीलिए कहा है कि रात के सोने में ये डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लेकिन कहीं हमारे लोग जो है इसको पहन के भी सोते हैं, तो आपको कोई तकलीफ नहीं हो तो इसको पहन के सो जाइए, कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल दोनों ऑप्शन है, ठीक है, समझ में? और कोई है? मैंने कहा हाँ ये बिल्कुल कर सकते, 10 किलोमीटर करो, मैंने मिनिमम कहा है, यानी सुबह 2 किलोमीटर, शाम को 2 किलोमीटर, आप 4 किलोमीटर